subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and इनको लगता है कि ये लोग नाटक करेंगे तो हम लोग डरेंगे, हम इससे डरेंगे नहीं। आप लोग अपनी लालच में लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो, लोगों के घर बनने दो। उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए इस लालची आदमी ने, और मारोड़ी लोग ऐसे नहीं रहते। समझाइए कि लोगों के घर बन रहे तो बनने दो, लोगों के घरों के आड़ मत आओ, अकेला आदमी पूरे समाज का नाम खराब करेगा। माजी नगरसेवक तथा शिवसेना नेते किशोर पाटकर हे नेहमी जनतेच्या कल्याणाचा विचार करत असतात। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून दिवसरात्र जनतेच्या कल्याणासाठी झटणारा नवी मुंबई वाशी येथील जनतेच्या हक्काचा नेता म्हणून ज्यांना ओळखले जाते ते म्हणजे शिवसेना नेते किशोर पाटकर। किशोर पाटकर हे नेहमीच वेगवेगळ्या प्रकारची जनतेच्या कल्याणाची कामे करत असतात। प्रत्येक व्यक्तीचे सुंदर अशा घराचे एक स्वप्न असते आणि त्या स्वप्नांचा विचार करूनच किशोर पाटकर यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर नवी मुंबई वाशी येथील कैलास शिखर हाउसिंग सोसायटीच्या रीडेव्हलपमेंटच्या कामाला सुरुवात झाली। एखादी व्यक्ती जर चांगले काम करत असेल तर त्या व्यक्तीला पाठिंबा द्यायचा सोडून त्या कामामध्ये अडथळा आणणारे काही लोक असतात। अशाच प्रकारे किशोर पाटकर यांच्या कैलास शिखर हाउसिंग सोसायटीच्या रीडेव्हलपमेंटच्या कामामध्ये सोसायटीच्या 648 रहिवाशांचा किशोर पाटकर यांना पाठिंबा असून एक दुकानदार 648 सर्वसामान्य लोकांच्या स्वप्नातील घराला अडथळा करत आहे। या अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीला किशोर पाटकर यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने समजून सांगून सुद्धा ती व्यक्ती ऐकत नाही। तर या दादागिरी करणाऱ्या व्यक्तीला किशोर पाटकर हे शिवसेना महिलांच्या कार्यकर्त्यांच्या तसेच नाविलाजाने शिवसेनेच्या स्टाईलने समजवण्याचा इशारा दिला आहे। कैलास सोसायटी में 648 घर है जिसमें से 646 लोग खाली करके जा चुके हैं। एक फैमिली उधर रहती है, वो भी खाली कर रही है। दूसरी ये इलीगल शॉप जो सोलंकी ने बना के रखे, जिन्होंने लास्ट टाइम झूठी केस की थी माजी अध्यक्ष के ऊपर, और ये लोग उधर बैठ के पैसा कमा रहे हैं। उधर की महाराष्ट्र फैमिली, गोर गरीब जनता सब हमारा घर अच्छा बड़ा बनने जा रहा है ये सोच के खाली करके गए। इन्होंने कोर्ट की ऑर्डर लास्ट 21 मार्च को आई है, धोखादायक बिल्डिंग में आप नहीं कर सकते हो, खाली करो, लाइट पानी कट करके तोड़ो। उसके बावजूद अपना उधर धंधा चालू रखा है और सिर्फ पैसा लूटना पैसा कमाना यही सोच के कि बाकी के लोग मरते तो मरने दो, और ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। बट और आज हम लोगों ने एज पर कोर्ट ऑर्डर आज उधर सोसाइटी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने डिमोलिश कर दिया है। वो दो दुकान थे उसमें पूरा कर दिया है, दूसरा दुकान में भी ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। अब वहाँ लोगों के सपनों का घर बनने जा रहा है। उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए इस लालची आदमी ने, और मारोड़ी लोग ऐसे नहीं रहते। वो धार्मिक लोग रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, जवान के पक्के लोग रहते हैं, वो कभी समाज के विरुद्ध काम नहीं करते। ये अकेला आदमी मारोड़ी समाज का नाम खराब कर रहा है। कल को इधर ऐसा हो जाएगा कि एक मारोड़ी आदमी इतने 650 मराठी लोगों को तकलीफ दे रहा है, कल इसको कुछ अलग एंगल लग जाएगा। अभी तो शर्म करना चाहिए। उधर और दुकान वाले थे, कुछ मराठी थे, कुछ मुस्लिम भाई थे, उन्होंने आके सोसाइटी में सरेंडर कर दिया कि हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो रहने को घर दिया था उस पर दुकान बनाया, उस दुकान के भरोसे पे हमने और 2-3 दुकान खोल लिए, हमने यहाँ से बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब जो इधर के गरीब लोग हैं उनका घर बनने दो, सब ये ले लो चाबी। सब देखे गए, ये अकेला आदमी और इसकी बीवी, ये दोनों जा के झूठे एलिगेशन कर रहे हैं, झूठी केसेस कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। दुकानदार है ही नहीं वो लोग उधर, वो रहवासी घर है, उधर एक भी शॉप बनाने का अलाउड नहीं है। बिल्डर को कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारा दुकान तुम खरीदो, एक दुकान का 2 करोड़ रुपए दो, हमको 30,000 भाड़ा दो, जब उधर के गरीब लोग जो वहाँ रह रहे मूल रहवासी 640 लोगों को जब हम लोग 9,000-12,000 ऐसा दे रहे तो इनको 30,000 क्यों देंगे। प्लस इन्होंने लालचगिरी करके सब सोसाइटी के लोगों को तकलीफ पे ला के रखा हुआ है। 2 महीने से बिल्डर का भाड़ा जा रहा है फिर भी लोग खाली नहीं करें। आज आखिर जो ये धोखादायक बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश कर दिया गया है, और जिस किसी ने भी ऐसे इलीगल दुकान खोल के रखे हैं
जिन्होंने अभी तक रहीवासी इसमें दुकान खोल के रख के बहुत पैसा कमा लिया है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपने बहुत पैसा कमा लिया है, अभी गरीबों के घर बनने जा रहे हैं उसमें सहकार्य करो, थोड़ा सा लालच दूर रखो, लोगों के घर बनने दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है उनका भी फायदा है, नहीं तो कोई बिल्डिंग बन के किसी की जान गई तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी। अब तो लालच बंद करो, सहकार्य करो, और वो बिल्डिंग अभी रहने के लायक नहीं है, लाइट पानी कट होने के बाद भी आज एक महीने से लोग रह रहे थे, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। अब हम लोग ने सब डिमोलिशन का काम कर दिया है फिनिश, और बहुत जल्दी लोगों के सबको का घर बनने जा रहा है, उनकी खुशी में शरीक हो। मैं मारवाड़ी समाज से भी अपील करता हूँ, अपने इस बांधों को समझाइए, इसको समझाइए कि लोगों के घर बन रहे तो बनने दो, लोगों के घरों के आड़ मत आओ, अकेला आदमी पूरे समाज का नाम खराब करेगा। देखो C1 कैटेगरी के लोगों को पुलिस को ऑर्डर दिया गया है, उनको खींच के बाहर निकालो अगर लोग निकलते नहीं है, और ये कार्रवाई इसलिए होती है उनकी जान बचाने की, ताकि वो लोग वहाँ। अब 648 टोटल मेंबर में से सारे चले गए, ये 2-3 जन ही खाली होशियार है कि जो जान ही रहे, इसलिए पुलिस जब वो नहीं निकलते हैं जाके जान बूझ के सोते हैं या उधर जाके नाटक करते हैं कि हम यहीं मरने को तैयार हैं, यहीं मरेंगे, तब पुलिस उनको खींच के निकालती है। और कोर्ट की ऑर्डर भी ऐसी ही है, सेम ऐसी ऑर्डर श्रद्धा में आई थी, सीनियर पी आई को ऑर्डर आई थी कि उनको हमारी उनको खींच के निकालो, उन्होंने कोर्ट को बोला था तब हम इधर मरने को तैयार, तो उनको बोला इधर मरने से अच्छा है यहाँ से इनको निकालो, और ऐसी क्लियर कोर्ट में ऑर्डर में मेंशन ही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात ही नहीं है। अब उधर कोई रह ही नहीं रहा है, पूरा कैलाश टूट चुका है, सिर्फ इसका रोड की साइड को है तो अभी भी दुकान चलाते बैठा था। हम लोग आज 1.5 महीने से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, सब समझा के देखा, सुन ही नहीं रहे, तो ये अगर दुकान चलते रहेंगे तो बाकी के लोगों के घर कैसे बनेंगे, तो उन लोगों ने मरने का क्या, उन लोगों ने वो रास्ते पे आ जाएंगे, बिल्डर भी क्यों भाड़ा देगा फिर इतने साल, अगर ये लोग अभी खाली कर रहे को अभी नहीं तैयार है तो बाद में भी नहीं निकालेंगे, ये इनकी लालच है। और क्या करता है सोलंकी, कभी भी NMMC वाले कोई गए तो अपनी लड़कियाँ अपनी बेटी को आगे कर देता है और उनको जाके आगे झगड़ा करने लगता है, इतना लालच में अंधा हो चुका है ये इंसान। देखो बारिश सिर पे है और सबकी सब C1 कैटेगरी है, और ये जो दुकानदार नीचे इल्लीगल शॉप रहीवासी घर में खोल के रख के ये जो दादागिरी और नाटक कर रहे हैं ना, मेरे में और हम लोगों में ये कैपेसिटी है कि मैं इसको उधर के सब रहीवासियों को उतर के रास्ते पे एक दिन ले आ जाऊंगा ना सबको, मुझे लगता है उसके बाद ये लोग सुधरेंगे। अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, कोर्ट की भाषा से समझा रहा हूँ, पुलिस की भाषा से समझा रहा हूँ, अगर इनको यही देखना है ना कि उधर के लोग कैसे रास्ते पे आते हैं, वो घड़ी घड़ी अपनी बीवी बच्चों को सोलंग के आगे करके नाटक करके दिखाता है, लास्ट टाइम पोस्को के डाल दिया, हम लोग ऐसा सब काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं चाहूँ तो पूरा शिवसेना से अपील करके शिवसेना की सब महिला कार्यकर्ता वाला आ सकता हूँ, उधर का एक एक बच्चा नीचे उतरेगा, और एक एक कंपाउंड में 500-500, 600-600 फैमिली है, इनको लगता है कि ये लोग नाटक करेंगे तो हम लोग डरेंगे, हम इससे डरेंगे नहीं। जो लोगों ने दुकानें खोल के रखी है, अभी तक आपने जो इधर पैसा कमाया, जो आपने मेहनत की, उसको हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अभी भी विनंती है कि इसके बाद उधर संघर्ष होगा, आप लोग अपनी लालच में लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो, लोगों के घर बनने दो, नहीं तो लोग रास्ते पे उतरेंगे और बहुत ज्यादा लोग रास्ते पे उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा। और अगर आपको चाहिए ये देखना है तो एक बार करके देख ही लो। कैलाश शिखर हाउसिंग सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटच्या कामामध्ये अडथळा आणणारी व्यक्ती स्वतःचा फायदा बघून इतरांचे नुकसान करत असल्याचे दिसून येत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश रेणुसेसह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।